hello friends communication concepts and techniques welcome you all today we have got a very important topic to discuss the topic is how to write expansion of an idea it is a very important part of our syllabus um, generally most of the time in schools but we have this in colleges also in foundation papers and it is also known as by two other two more names they are एलाबोरेशन ऑफ एन आइडिया और एलाबोरेट एन आइडिया और पैराग्राफ राइटिंग सो टुडे वी विल डिस्कस द वेरियस टेक्निकलिटीज ऑफ इट हम एक आइडिया uh, लेकर के उसका पैराग्राफ कैसे डेवलप करते हैं और उसके टेक्निकल uh, आस्पेक्ट्स क्या क्या हैं क्या क्या चीज़ें हमें करनी हैं और कैसे हम एक आइडिया को इनक्रीज करके एक पैराग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं और पैराग्राफ लिखने की जो कला है दो आर्ट ऑफ राइटिंग और क्रिएटिंग अ गुड पैराग्राफ अ स्टैंडर्ड पैराग्राफ वी आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट सो वी हैव गॉट एम्पल ऑफ वैल्यूज इन टूडेज सेशन एंड आई होप यू विल बी पेशेंटली लिसनिंग टू दिस ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू बी बिट लॉन्ग बिकॉज यू नो वी आर कवरिंग इट फ्रॉम ऑल द डायमेंशन सो दैट इट कुड प्रोवाइड यू सम सॉर्ट ऑफ एकेडमिक और एजुकेशनल वैल्यू सो बी विद मी एंड यू नो be enthusiastic about learning through this video and now I just started so let us see first of all ye jo hum idea kehte hain where do, where does this idea come from uh, ये idea क्या होता है और ये कहाँ से होता है so basically ये four जो आपको components दिखाई दे रहे हैं आइडिया इसी में से लिया जाता है जो हमको एग्जाम में दिया जाता है जिसको हमको एक्सपेंड करना पड़ता है सो so, ये आइडिया जनरली एक स्लोगन हो सकता है जैसे गिव मी लिबर्टी और गिव मी डेथ ये एक स्लोगन था हम किसी भी स्लोगन को को आइडिया में कन्वर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं कि उस स्लोगन उस के पीछे Uh, क्या थॉट था क्या उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट uh, छुपा हुआ था ये स्लोगन क्यों डेवलप हुआ था किस इंटेंशन से ये स्लोगन बनाया गया था ये सारी बातें हमको उस स्लोगन के बारे में पता होनी चाहिए तो जनरली आइडिया कहाँ से लिया जाता है उसके चार मेन uh, सोर्सेज हैं जो मेन स्ट्रीम्स हैं जहाँ से हमको अच्छे आइडियाज़ मिलते हैं हमें स्लोगन्स हो सकता है वो आइडिया या yeah, प्रोवर्ब्स कहावतें बहुत सारी होती हैं जिनको हम देन, अपनी दैनिक बो बोलचाल की भाषा में वी यूज़ दिस यू नो काइंड ऑफ प्रोवर्ब्स इन आवर रूटीन लैंग्वेज एवरी नाउ एंड देन वी यूज़ इट इन ऑर्डर टू एम्पावर अवर लैंग्वेज इन ऑर्डर टू मेक अवर टॉक मोर इम्फेटिक तो ये प्रोवर्ब्स बहुत सारे प्रोवर्ब्स होते हैं जिनको हम डेली यूज़ करते हैं और इन्हीं में से कोई एक प्रोवर्ब जो है आ, आ, हमारा जो है आइडिया बनता है आइडिया का टॉपिक बन जाता है या टाइटल बनता है जिसके ऊपर हमको आइडिया लिखने को कहा जाता है या हमको उसके ऊपर जो है पैराग्राफ लिखने को कहा जाता है इट कुड बी अ रिफ्लेक्टिव थॉट ये कोई एक ऐसा रिफ्लेक्टिव थॉट हो सकता है जिसके ऊपर किसी ने ऐसा कोई विचार दिया जिसको लोग बहुत लोगों ने सुना और बहुत लोग प्रभावित हुए सो इस इट कुड बी अ रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिव थाट जैसे कि लव ओनली ग्रोज़ बाई शेयरिंग you can only have more for yourself by giving it away to others so it is a very highly reflective thought of course it is liked by masses appreciated by masses spoke, spoken it is spoke by masses and you know it is used by masses and uh, of course it is spread by masses for you know uh, to just interact uh, of you know this reflective kind of thought. और लास्ट जो आता है वो होता है कोटेशंस ऑफ कोर्स कोटेशंस आर अ ग्रेट सोर्स अ वेरी बिग स्ट्रीम ऑफ हैविंग वंडरफुल आइडिया सो दीज हमारा एक कोटेशन uh, भी हो सकता है जिससे हमको कोई आइडिया मिले जिसके ऊपर हमको लिखने को कहा जाए सो नेवर गिव अप टुडे इज अ हार्ड टुमारो विल बी वर्स बट द डे आफ्टर टुमारो विल बी शन साइन इट इज़ अ कोटेशन सेट बाई समन कैन ऑल्सो भी यूज एज असिक आइडिया इन ऑर्डर टू एक्सपेंड और कन्वर्ट इट इन टू अ पैराग्राफ तो ये चार बातें मेन है जो हमें समझनी है स्लोगन से आइडिया आइडिया लिया जा सकता है या प्रोवर्ब से या रिफ्लेक्टिव थाट से या कोटेशन से और इन्हीं को हमको दिया जाता है जिसको हमको पैराग्राफ में कन्वर्ट करना पड़ सकता है एग्जाम डेज़ में फर्स्ट इसके जो कुछ स्टेप्स मैंने डिसाइड किए हैं जो आपको उससे समझने में मदद मिलेगी कि हम एक आइडिया को लेकर के उसके अंदर एक पैराग्राफ कैसे डेवलप कर सकते हैं तो इसके हमने तीन पार्ट बनाए हैं ऑफ कोर्स ये तीन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं समझने फर्स्ट इज बिगिनिंग सेकेंड इज मिडिल एंड द थर्ड इज एंड और कंक्लूजन ऑफ इट सो फर्स्ट इज पैराग्राफ इज़ इंट्रोडक्शन explaining meaning of idea in five to six lines first of all in order to set the background message the main uh, you know uh, the the main concept the main meaning of that particular uh, idea as introduction in which you explain the meaning thoroughly आप उस सबसे पहले आप क्या जानने की कोशिश करते हैं आप एक प्रोवब की या एक स्लोगन की मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं। उस मीनिंग को आप 5 टू 6 लाइन में एक्सप्लेन करते हैं जिसको हम इंट्रोडक्शन कहेंगे सेकेंड पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एवरी टाइप ऑफ कॉन्टेंट वॉट यू वॉन्ट टू एलाबोरेट इट हाउ यू आर गोइंग टू जस्ट टेक इट फ्रॉम वेरियस नुकस वेरियस नूक्स एंड कॉर्नर्स आप जगह जगह से कॉन्टेंट इकट्ठा करके उसके मिडिल पार्ट डेवलप करेंगे अलग अलग चीजों का रेफरेंस लेकर के आएंगे अलग अलग चीज़ों के कॉन्नोटेशंस देंगे कुछ अलग इंडस्ट्रेशन लेकर के आएंगे कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के आएंगे जिससे कि उसका मिडिल पार्ट डेवलप होगा और ये जो है हमारे पैराग्राफ का मिडिल पार्ट बनाता है जैसा कि इसमें लिखा है सेकेंड पैराग्राफ एग्जाम्पल्स एंड डिटेल्स एग्जाम्पल फ्रॉम हिस्ट्री

Uh, developing the middle part of or uh, the middle uh, portion of the the, uh, the the paragraph could be a good use of it and in the last that is third paragraph uh, that is a summarization of it of course summarization takes only one or two line and you summarize or you conclude the idea so these are the three basic part of थ्री बेसिक एलिमेंट और कॉम्पोनेंट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ योर पैराग्राफ सो ये चीजें हमको बहुत अच्छे से समझनी चाहिए कि हमको बिगिनिंग करनी है फाइव सिक्स लाइन में फिर बीच में टेन ट्वेल्व लाइन्स डालेंगे और लास्ट में हम एक दो लाइन डालकर के उसको एक इम्फेटिक कंक्लूजन करते हैं पावरफुल एक, कंक्लूजन एक देते हैं इन स्टेप टू अंडरस्टैंडिंग द सिंबोलिक मीनिंग ऑफ द वर्ड्स ऑफ कोर्स जो प्रोवर्ब्स हैं कोटेशंस हैं इनमें सिम्बोलिक मीनिंग बहुत ज़्यादा छुपी होती है सिम्बोलिक मीनिंग क्या होती है कि हम यूज़ किसी और वर्ड का करते हैं लेकिन जैसे कि देखते हैं ही इज एज ब्रेव एज लायन सो ब्रेव ब्रेवरी इज़ यू नो सिंबॉलिक मीनिंग टू लायन और लायन इज सिंबॉलिक मीनिंग टू ब्रेवरी तो सिंबॉलिक मीनिंग क्या होती है किसी एक चीज़ को रिप्रेजेंट करती है हमको एक ऐसा एनिमल या कोई ऐसा ऐसे ऐसे थिंग या कोई ऐसी चीज़ का हम उदाहरण लेते हैं जिसका सिंबॉलिक मीनिंग बहुत हाई होता है तो हम उस सिंबॉलिक मीनिंग को पकड़ने की कोशिश करते हैं जिससे हमको उस पैराग्राफ का मेन आइडिया हमको समझ में आए उसका जिस्ट समझ में आ जाए कि जिसके ऊपर हमको पैराग्राफ लिखना है उस आइडिया का हमको जिस समझ में आए द नेम ऑफ द प्लेस और एनिमल और थिंग और अ पर्सन स्टैंड एज अ सिम्बल ऑफ सम क्वालिटी कुछ ऐसे सिम्बोलिक मीनिंग होते हैं हर चीज़ों के अंदर हमारे आस पास जो चीज़ें हैं जिनका हम सिम्बोलिक यूज करते हैं और ये सिम्बल हम सिम्बोलिक मीनिंग हमको पकड़ना बहुत जरूरी है अगर हम आइडिया समझ करके पैराग्राफ डेवलप करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमको उसका सिम्बॉलिक मीनिंग कैच करना चाहिए वी हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इन द कॉन्टेक्सट ऑफ द प्रोवर किस कॉन्टेक्स्ट में ये सिंबॉलिक मीनिंग इस प्रोवर्ब में यूज किया गया है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है जिससे हम एक आइडिया को कन्वर्ट कर सकते हैं एक पैराग्राफ में फॉर एग्जाम्पल टेक द प्रोवर्ब रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे हियर द नाउन रोम इज द नेम ऑफ अ प्लेस वी ऑल्सो नो नो दैट रोम वॉज अ ग्रेट सिटी तो रोम क्या है रोम इज यू नो सिम्बोलाइजिंग ग्रेटनेस सो what does rome stand for it stands for greatness or success it stands for quality it stands for empowerment it, it stands for you know a wonderful uh, human effort second example am thinking, all that glitters is not gold here we have here the noun gold it is the name of a metal it is just a metal but we know it has got a high symbolic meaning because it is a precious metal सो ऑफ कोर्स गोल्ड रिप्रेजेंट्स हाई वैल्यू थिंग्स वेन एवर वी आर कंपेयरिंग समथिंग विद गोल्ड वी आर हैविंग द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ गेटिंग बींग इट टू अ वेरी प्रेशियस थिंग प्रेसियस थिंग फॉर ऑल वेरी एक्सपेंसिव थिंग फॉर ऑल सो दैट डो वॉट गोल्ड स्टैंड फॉर इट स्टैंड फॉर प्रेशियस मेटल प्रेशियस मेटल और कॉस्टली थिंग्स थर्ड स्टेप में जब हम जाएंगे तो हमने सबसे पहले क्या किया हमने उसका उसका उसके जो सिंबॉलिक मीनिंग समझने की कोशिश की और अब उसके बाद हमने कोरिलेट विद अदर प्रोवर्ब्स कॉन्टेंट टू अंडरस्टैंड रिलेट विक्वलेंट प्रोवर्ब्स के जरिए हम उस प्रोवर्ब का मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं जरूरी नहीं कि हमें एकदम से प्रोवर्ब का मीनिंग समझ में आ जाए जब जा हमको प्रोवर्ब का एग्जैक्ट मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है या हम पहली बार उसको पढ़े हैं या ऑफकोर्स यू नो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली इट हैज इट हैज कम इन एग्जाम एंड वी डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ इट ट्राई टू फाइंड द इक्वलेंट प्रोवर्ब ऑफ इट इन ऑर्डर टू गेज इन ऑर्डर टू मेजर द मीनिंग ऑफ द गिवन प्रोवर्ब सो रोम वॉज नॉट बिल्टन अडे यहां पे दो बातें मेन है एक रोम एक इन अ डे एंड ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड तो यहां पे भी दो बातें मेन है ऑल दैट ग्लिटर्स सारी चमकने वाली चीजें नॉट गोल्ड सोना नहीं होती नाउ सब्सटीट्यूट द सिंबल्स सिंबल्स का क्या आ रहा है ग्रेटनेस और सक्सेस वॉट वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे ऑफकोर्स ग्रेटनेस कैन नॉट बी अचीव इन सिंगल डे ग्रेटनेस इज अ कंटिन्यूअस एफर्ट इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोग्रेस देन वी रीच टू द लेवल ऑफ ग्रेटनेस ऑल दैट ग्लिटर्स इज ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट प्रेसियस द प्रोवर्ब इज नाउ डिकोडेड एंड रेडी फॉर अंडरस्टैंडिंग हम जब इन दोनों की कंपेरेटिव वैल्यू निकालते हैं तो हमको एक प्रोवर्ब से दूसरे प्रोवर्ब को समझने में मदद मिलती है लेटस गो टू द फोर्थ स्टेप ऑफ इट लुक फॉर अ स्टोरी और एनेकडॉट और एग्जाम्पल फॉर इलस्ट्रेशन अब हमको इसके मिडिल पार्ट के लिए एलिमेंट चाहिए कॉन्टेंट चाहिए एग्जाम्पल्स चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे लुक फॉर अ सुटेबल एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट इट इफ वी ए विल ट्राई टू फाइंड आउट सम सॉट ऑफ एग्जाम्पल इफ इट इज अवेलेबल बाई द लाइव और यू नो ऑटोबायोग्राफी बायोग्राफी एनेकडॉट्स ऑफ एनी ग्रेट पर्सन अराउंडर्स और वेयर डू वी गेट दीज स्टोरीज हमको स्टोरी का भी रेफरेंस दे सकते हैं उसको भी कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं जैसे कोई इंडियन माइथोलॉजिकल स्टोरी हो सकती है इट कुड बी एनी बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी इट कुड बी यू नो एनी हिस्टोरिकल इंसिडेंट इट कुड बी एनी रिलीजियस अफेयर इट कुड बी एनी रिलीजियस एग्जाम्पल और कल्चर इफ इट इज़ रिलेटेड विद अवर यू नो कल्चर वी कैन ब्रिंग सर्टन एग्जाम्पल इनसाइड सर्टन एग्जाम्पल फ्रॉम कल्चर ऑल्सो एंड इट कुड बी अ पीस ऑफ न्यूज़ दैट वी कैन यूटिलाइज हियर इन ऑर्डर टू एक्सपेंड एन आइडिया इन टू अ पैराग्राफ कैन ऑल्सो लुक फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम टूडेज वर्ल्ड हम आज की दुनिया से भी हम कोई अच्छा एग्जाम्पल एक्षा निकाल सकते हैं जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल एक लिया है आप इसको देखने का और समझने का थोड़ा सा कोशिश करिएगा फॉर द प्रोव रोम वॉज नॉट बिल्ट एन ए डे रोम एक दिन में नहीं बनाया जा सकता रोम इज अ ग्रेट स्टोरी ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स टॉक अबाउट द एफर्ट पुट इन बाई बराक ओबामा बराक ओबामा वॉज अ वेरी यू नो स्टार्टेड फ्रॉम वेरी हम्बल बिगिनिंग and he rose to the level of president of usa so of course it is not you know it is both the stories are parallel making a room and you know just from very humble state getting to rising to the highest seat of the state highest chair of the state it is not you know it is again you know both the things the stories are somewhere parallel we can compare it in order to just bring the point home bring the idea home so greatness achieve greatness and that it took many years to build it that that it did not happen overnight. So, both the stories we can compare, we can contrast, we can, you know, uh, give, uh, we can just give the uh, comparative value of it in order to make a very good content, keep the very good content in the middle part of it. Look for similar proverbs or ideas. Look for similar proverbs. Also, give us material like. Patience, persistence, and perspiration make an unbeatable combination of success, is similar to Rome was not built in a day. Do not judge a book by its cover. Similar to all that glitters is not precious. इसके लिए आप क्या कर सकते हैं इसके लिए आपको प्रोवर्ब्स की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी आपको खूब सारे प्रोवर्ब्स की मीनिंग आने चाहिए आपको उसके यूज आने चाहिए तभी आप कंपेरेटिव वैल्यू डेवलप कर पाएंगे और ऐसा कई बार होता है कि हम प्रोवर्ब समझ लें बट उसका सिम्बॉलिक मीनिंग हम कैच नहीं कर सकते जब तक हमें बहुत सारे प्रोवर्ब्स के पता ना हो तभी हम उसके कंपेरिजन कंपेरिजन कर सकते हैं उसका जो सिम्बॉलिक मीनिंग है वी कैन डिकोड इट वी कैन फाइंड द रियल मीनिंग हिडन

Uh, because you see, we, we are not supposed to write an essay, we are not supposed to produce a long write up uh, on a proverb, on an idea. Of course, we have to write just a paragraph. It is difficult to develop a good just a paragraph because everything has to be quite good in it, quite good, you know, structure of it, quite good sentences, quite good story, quite good examples, quite hitting examples.

In brief, briefly, in conclusion, in the end, in the final analysis, on the whole, thus, to conclude, to summarize, in sum, to sum up. इन समरी सो दीज आर द वर्ड्स विच हेल्प अर्स टू जस्ट ट्रांजलिट फ्रॉम द फ्लो ऑफ थॉट टूवर्ड्स क्लोजर ऑफ इट टूवर्ड्स कंक्लूजन ऑफ इट और टुवर्ड्स समिंग इट अप सो इस तरह के वर्ड्स का हमको लास्ट में यूज करना चाहिए सो दे पीपल ऑलरेडी कम टू नो दैट यू आर गोइंग टू क्लोज इट इन अ वन और टू सेंटेंस नाउ योर फाइनल टॉक विल कम इन द लास्ट एंड देट वुड बी योर कंक्लूडिंग सेंटेंस लेट अस गो अड एंड यू नो आई हैव गॉट एन एग्जाम्पल फॉर इट एंड दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल दिस इज अ वेरी गुड प्रोवर्ब of course friendship is our life so this is a very good proverb we have listened to this proverb many a times a friend in need is a friend indeed so i'll just uh, read it out the entire paragraph of it so that you can just get an idea how to develop a paragraph based on an idea i'll read it out uh, slowly so that you could listen it and just find the various uh, you know value value content in it it is absolutely true that a friend in need is a friend indeed. In this crowded world, we may get attracted to many human beings and start a friendship with them. But all friends are not true. Our elders have made a formula to test who is a true friend and who is not. This formula is a friend in need is a friend indeed. It means if a friend stands by you, even in your hard times and be a comfort to you, then that friend is true. Mostly, the world is full of fair weather friends. Only they stand with you when you are happy and prosperous. The moment hard times come, they leave you. We should be very careful of such opportunistic friends. While deciding for friends, we should use this formula. A friend in need is a friend indeed. If a man has to be successful in life, he must not only have few friends, but well chosen also. A loyal, wise, and true friend is the best gift of life. The influences of such a friend or friends are always positive, motivating, and inspirational so this is a very good example and this is all what is expected by a student or an examinee that how to convert an idea into a paragraph so thank you very much for you know patient listening and of course i hope you have learned uh, some value based material some value based you know uh, information out of it and uh, uh, if you have liked the talk you are again requested to please subscribe the channel uh, to just uh, uh, empower the channel so that we could just bring out a series of uh, this kind of useful academic and educational videos for you. Thank you very much once again.